नमस्कार, सुपर फास्ट जनादेश आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूँ आपको आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। देश भर के साथ साथ आइए देखते हैं उल्लासनगर शहर में किस तरह से मनाया गया होली का त्योहार। रंगों में है प्यार की बोली। नीला पीला लाल गुलाल, उस पे तेरे गोरे गाल, काली काली आंखों वाली, मस्त मस्त है तेरी चाल। है बहाना होली का, पास आना चाहे तू, चांद से मेरे चेहरे पे रंग लगाना चाहे तू। Do me a favor, let's play holi. Ye holi, aye holi. Do me a favor, let's play holi. मुझको होली ही कुछ और लगे, तेरी पायल के घुंघरू मेरी हर धड़कन पे बजे। यूं ही बातों बातों में दिल चुराना जाने तू। उल्लासनगर के शहरवासियों को इस साल की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही कामना करते हैं कि इस साल की होली सबके लिए काफ़ी बहुमूल्य साबित हो और सब लोग खुशी से इस होली के पावन अवसर पे खुशियां मना सकें। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि आज हमने और हमारे सारे बच्चों ने यहां पे इको फ्रेंडली होली जो है वो मनाई है और बढ़िया तरीके से एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटी हैं। और आप सबसे यही गुजारिश है कि आप बिल्डिंगों से पन्नियाँ या फूगे ना फेंकें, क्योंकि बहुत ज़ोर से वो लगते हैं, इससे एक्सीडेंट होने के काफ़ी चांसेस हैं। गलत तरीके के कलरों का प्रयोग न करें और पानी बचाएं, खुशियां बांटें। हैप्पी होली एंड सेफ होली। वेरी 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 हैप्पी होली। पानी का यूज़ कम कीजिए, कलर से होली खेलिए और सारे गिला शिकवा दूर कीजिए। हैप्पी होली। उल्लासनगर शहर के साथ साथ चुनाव के दौरान बीजेपी की ज्यादा से ज्यादा सीट आने पर उल्लासनगर शहर में खुशी का माहौल देखने मिला। इसी मौके पर टीम ओमी कालानी व बीजेपी की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। पूरे उल्लासनगर में पूरा खुशी का माहौल है, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, उससे ज़्यादा अपेक्षा हो गई सीट से, आज 300 के ऊपर सीट आ गई। मैं पूरा श्रेय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी,
हमारे अमित शाह जी और उनकी टीम को धन्यवाद दूंगा जो ऐसे सभी को काम पे लगा के रखा था, आज उनकी मेहनत सफल गई। मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ उत्तर भारतीयों का, जिन्होंने यहाँ पे भी बैठ के उल्लासनगर से फ़ोन करके वहाँ पे अपने अपने जो रिश्तेदार दोस्त यार उनको कहा था कि पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। मैं तहे दिल से उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी ऐसा ही माहौल बनते रहेगा। ये एक हिस्टोरिकल रिज़ल्ट है, आज तक कभी भी यूपी में हमारी बीजेपी इतने ज़्यादा नंबर्स पे आई नहीं है। यूपी एक ऐसा स्टेट है जो कि पाकिस्तान से बड़ा स्टेट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके जो एग्ज़िट पोल रिपोर्ट को भी ओवर क्रॉस किया है। ये एक बहुत बड़ा हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा श्रेय उनको जाना चाहिए। पूरा देश भाजपा में हो चुका है, आज 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन किया है वो ऐतिहासिक है। उत्तर सत के साथ साथ उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में भी कांटे की टक्कर चल रही है। कहीं ना कहीं सहयोगी पार्टियों के मिलके 5 राज्यों में से एक पंजाब छोड़ के 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम ले रहा है। अब सिर्फ पाकिस्तान ही बचा है जहां नरेंद्र मोदी को जाके चुनाव लड़ना चाहिए और वहां पे भी भाजपा का परचम लहराना चाहिए। और उसका उल्लासनगर में जो उल्लास देखने को मिल रहा है, जो 23 तारीख को उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी टीम ओमी कालानी बहुमत में आई है और वो लहर उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान तक फैली है, तो उसकी खुशियाँ उल्लासनगर में मनाई जा रही है। 2 दिन पहले ही यहाँ पर केसरिया होली की जा रही है और पूरे शहर को भगवा में यहाँ पर किया गया है और बहुत ही उत्साह का उल्लास का माहौल है उल्लासनगर। आज जो 5 राज्यों के चुनाव नतीजे घोषित हुए हैं उसमें पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक उत्साह है और खुशी का माहौल बना हुआ है। न सिर्फ उल्लासनगर बल्कि पूरे देश के अंदर आज यह जो भगवामय वातावरण बन गया है, यह जो खुशी का माहौल बन गया है वह देखने लायक है। उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी सारी बहुमत, जो कि हमारे मनोज जी ने भी बताया कि सारे के सारे सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के समय में सभी सर्वे रिपोर्ट फैल गए थे उसी प्रकार यह भी हुआ है और इतनी सारी सीटें ला करके नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया है कि आज भी सुशासन की जीत है। जो उनका जो यह 3 वर्षों का कार्यकाल जो चला है, उन 3 वर्षों के कार्यकाल को लोगों ने पसंद किया है, देशवासियों ने पसंद किया है। आने वाले बाकी जो चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आज करीब करीब मेरे हिसाब से 45% मतदाता जो हैं विश्व देश के हिंदुस्तान के भारत के जो 45% मतदाता भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं। आने वाले दिनों में इस देश को कांग्रेस मुक्त बनाने का जो मोदी जी का नारा है वो सफल होता हुआ नज़र आ रहा है और पूरा देश भाजपा में हो जाएगा। अभी 5 अप्रैल को भी उल्लासनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की महापौर बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन यहाँ पर भी देखने को पूरे शहरवासियों को मिलेगा। मैं सबसे पहले तो अपने पंत प्रधान मोदी साहब का आभार प्रकट करती हूँ और मुख्यमंत्री साहब का भी, और साथ में उल्लासनगर की कुमार आइलानी जी साहब, ओमी टीम से ओमी जी का, जमनूपुर स्वानी का, हमारे वरिष्ठ सभी नगर सेवक का जिन्होंने मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी का उल्लासनगर में भी जोरों शोरों से स्वागत किया है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, तो हम लोग बहुत ही खुश है और बहुत अच्छा लगता है हमें कि हमारी पार्टी ज़्यादा लीड से आई है। जिस तरीके से पूरे यूपी में भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज़्यादा सीट आई है और पूरा यूथ मोदी जी के साथ में दिखा देश का, और यूथ ने दिखा दिया कि हमारे में इतनी ताकत है कि देश में बदलाव ला सकता है और पूरे देश की आशा है कि अब राम मंदिर जाकर हमारा बनेगा, उसकी संकल्पना को लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का मैं उल्लासनगर के तमाम नेतागणों से, कुमार अलानी जी और टीम ओमी कलानी के प्रमुख आइकॉन यूथ ओमी कलानी जी की तरफ से मैं भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करतो। आज भारत देशातील जे निवडणुकीचं जे रिझल्ट आलं आहे त्याबद्दल मी प्रथमतः सर्व श्रेय जे आपले भारताचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी त्यांना देऊ इच्छितो, आणि ज्या प्रकारचं रिझल्ट आज दिलेलं आहे तर नक्कीच या भारत देशामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं प्रथम क्रमांकाची जी पार्टी आहे आणि पूर्ण भगवामय हा पूर्ण भारत देश झालेला आहे। यानंतरही या रिझल्टच्या नंतर पूर्ण विकास कामांना नक्कीच प्राधान्य मिळेल आणि आज ज्या निवडणुकीचा रिझल्ट आले त्याबद्दल मी सगळ्यांचा आभार मानतो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में उल्लासनगर 1 गोल मैदान पीस पार्क ब्रह्म कुमारी की ओर से महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर की आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी, नगर सेविका रेखा ठाकुर और पंचम कालानी के साथ साथ जया प्रकाश माखीजा भी मौजूद रहीं।
आज के इस महिला दिवस पर हमारे शहर के जो चुन करके आए हैं, पहले तो मैं उनको बहुत 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 बधाई देती हूँ। और दूसरा, इस महिला दिवस पर जो भी यहाँ महिलाएं आई है या घर बैठे भी जिन्होंने अपने हृदय से महिला दिवस मनाया है, मैं उन माताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो पुरानी संस्कृति हमारे भारत की है और उसको अपनाने की मैं कामना करती हूँ। ओम शांति। इंटरनेशनल वुमेंस डे, हमारे शहर की सभी महिलाओं को हार्दिक हार्दिक शुभेच्छाएं। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ऐश्वर्य विश्वविद्यालय की तरफ से इस दिन का प्रोग्राम रखा गया था। शहर में हमारे जितनी भी महिलाएं चुन के आई हैं तो उनको यहाँ बुलाया गया था, उनको सम्मानित किया गया और उनकी जवाबदारी का एहसास दिलाया गया कि आप चुन के आए हैं तो आपके ऊपर अब जवाबदारी पड़ी है और शहर को सुंदर स्वच्छ बनाना और अच्छा पानी देना। दीदी ने भी ये आग्रह किया है, महिला जो है खुद में एक शक्ति है, महिला जननी है, महिला सोसाइटी का निर्माण करने वाली है, उनके ऊपर बहुत सारी जवाबदारी है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है और फिर एक बार आज महिला जो है वो कहती है कि अगर देखना है मेरी उड़ान को तो ऊंचा कर दो आसमान को, ऊंचा कर दो आसमान को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में उल्लासनगर से सटे सीमा रिसोर्ट में शहर की आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी की ओर से महिलाओं के लिए एक रंगारंगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मारल वरब कांबा की सभी बचत गट की महिलाएं मौजूद थीं। बंद करो, मैं फूल नहीं चिंगारी हूँ, मैं जननी हूँ, मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं नारी हूँ। सभी नारियों को चर-चर कोटि-कोटि प्रणाम और सलाम। हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को, महिला गौरव दिन सभी को हार्दिक शुभेच्छाएं। हमारी प्यारी बहनों, हमारे सभी साथियों ने आपको योजनाएं सरकार की बताई और आगे भी बताते रहेंगे। आपका कल्चरल प्रोग्राम भी है यहाँ पे। मैं सिर्फ नारी के ऊपर दो शब्द कहूँगी कि आज की नारी वो किसी से कम नहीं है। सरकार ने 50% रिजर्वेशन दिया है, हमें हक दिया है, बच्चों को पढ़ाई का हक दिया है, हमें अपने पैरों पे खड़े होने का हक दिया है। सरकार बहुत सारी योजनाएं हमारे लिए लाती है इसके लिए, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो, महिला का सशक्तिकरण हो, सबल महिला हो। महिला क्या है, महिला क्या कर सकती है और महिला क्या शक्ति है, तो ये सभी को मालूम हो चुका है। जहाँ महालक्ष्मी दुर्गा भगवती भवानी का रूप महिला है, तो वहाँ जब जरूरत पड़े तो चंडी और काली का रूप भी महिला धारण कर सकती है। ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था, ओंकार स्वरूप सद्गुरु समर्था, अनाथा च नाथा तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो, तुझ नमो।
शुभ नयना करुणामय गौरी हर श्री वरद अन गाव जागवत आली वासुदेवाची स्वारी गाव जागवित आली वासुदेवाची स्वारी कौल भेद लाली हो ना शंभर वर्ष जाणा कौल भेद लाली हो ना शंभर वर्ष जाणा नांगर धरला सत्वाचा महिला दिवस के उपलक्ष में विजय होंडा व ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से हेलमेट रैली निकाली गई। इस मौके पर शहर की आमदार श्रीमती ज्योति पप्पू कालानी, नगर सेविका रेखा ठाकुर के साथ साथ कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। थोड़ा सा का बदलना चाहिए, अब हिमालय से गंगा बननी चाहिए, आज जो मेरे दिल में है वो आपके दिल में भी बननी चाहिए। आज कौन सी है हमारे दिल में, किस शहर की हालत सूरत सुधरे। आज वुमेन्स डे 1 मार्च का दिन जो है वो शुभ दिन है, महिलाओं के गौरव का दिन है। हम जिस शहर में रहते हैं हर फ्रंट में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर विजय होंडा शोरूम, उल्लासनगर ट्रैफिक, इन दोनों के माध्यम से हेलमेट रैली का आयोजन किया था, जो स्टार्ट हुआ था गोल मैदान से और एंड हो गया विजय होंडा शोरूम तक। हम इस रैली से ये संदेश देना चाहते थे समाज को, ज़्यादा करके यंगस्टर्स को, अदर पर्सन गलती करे कोई ठोक देगा गारंटी नहीं रहती, इसलिए हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आपकी जान बहुत कीमती है, हमारे लिए भी, आपके परिवार के लिए और आपको खुद के लिए भी। इसलिए आज वुमेंस डे इस अवसर पर हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से ये संदेश देने के लिए ये रैली निकाली थी कि जब भी हम राइड करेंगे, चाहे वो राइडर्स हो या व्हीलर्स हो, दोनों को हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और सेफली ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। और आपके माध्यम से मैं सभी उल्लासनगर में जितने भी महिलाएं हैं उन सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं, सबको बधाई देता हूं। जय हिंद।
उल्लासनगर 3 सिंधु यूथ सर्कल की ओर से सिंधी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। यह राडी खुशी जी गाल है जो अज हिते सिंधु नगर में असी गजे आयो ए सिंधी बोली के अगते वधाने जी हर मुमकिन गजी कोशिश करण जी कोशिश करे रहा आयो। असांजी यह सोच है तो असो सजो लिटरेचर यानी साहित्य सिंधी लिपि में है। असी यो सजो खजानो पैंजे नंडरन बारन के दियूं था पर बारन के उन्हें जी चाबी न था दियूं। उन्हें जी चाबी आहे सिंधी लिपि। जिकदा असी बारन के सिंधी लिपि न सेखारींदासी तो छा थी सके थो इंदर कुन पीढ़ी पीढ़ियों के अंदर असो यो समूरो लिटरेचर मिट्टी बणजी वेंदो केर पढ़ण वारो ही न रहंदो। असांखे ज़रूरत आहे अॼु गॾिजी करे पंहिंजनि ॿारनि खे पहिरें दर्जे खां वठी सिंधी लिपिअ में सिंधी सेखारण जी जेका असांखे गॾिजी कोशिशि करणी आहे हर हिकु स्कूल में। सिंधु नगर में हेतिरा ॿार आहिनि हेतिरा सिंधी मैनेज्ड स्कूल आहिनि उन्हनि खे ई असीं चई सघूं था त तव्हीं पंहिंजे स्कूलनि में इहो कमु शुरू कयो। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी आहे त अॼु जे हिन मीटिंग में झूलेलाल ट्रस्ट जा ट्रस्टीज़ बि आया आहिनि त वरी NCERT जे तरफ़ां बि पूरो साथ मिली रहियो आहे। इन खां सवाइ ॿिया बि जेके असांजा मोइज़िस महिमान आहिनि जेके असां सां गॾु साथ ॾियण जे लाइ पाण खे हिकिड़ी कमिटमेंट था कनि इहो ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थी थिए। मूंखे पक आहे त सिंधु नगर ई सचमुच हिकिड़ो उहो आस्थान थींदो जिते असीं सिंधी ॿोलीअ खे बचाइण जी अॻिते वधाइण जी सिंधी लिपिअ में ॿारनि खे सिखिया ॾियण जी शुरूआत कंदासीं। जय झूलेलाल। अॼु सिंधु यूथ सर्कल में सिंधी ॿोलीअ खे कीअं वधाइजे उन जे लाइ जेके बि सिंधियत जा शिदाई आहिनि ख़ासि करके जेके बि स्कूल्स जेके सिंधी मीडियम सेखारीनि था उन्हनि सभिनी स्कूलनि जा हेड्स उन्हनि जा ट्रस्टी ऐं उन्हनि जा टीचर्स हिते अॼु जमा थिया आहिनि आशा चांद जे सॾु ते। आशा चांद जेके हर को सुञाणे सिंधियत में दुबई मां ख़ासि हिड़जी ऐं सॼे हिंदुस्तान में छा पर सॼे दुनिया में जेको सिंधियत जो फैलाउ करे थी ख़ासि करके उन जो ज़ोर आहे त सिंधी ॿोली जेका आहे उहा स्कूलनि में हलणु घुरिजे उतां लुप्त न थियणु घुरिजे। मां महेंद्र मूलचंदानी झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल ऐं जूनियर कॉलेज मां। असां इहा ॾाढी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो भेण आशा चंद ऐं इन ॻाल्हि खे पकड़ियो आहे सुग सां त सिंधी ॿोली अरबी लिपि सभिनी स्कूलनि में हिकु सब्जेक्ट करे चालू थिए। असीं अॻे साल ई 5 दर्जे खां चालू कयो आहे ऐं हिन साल उनखे अञा अॻियां वधाए पहिरें खां मथे खणी वेंदासीं। ऐं इहा ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे जो असां इहा खज़ानो जीअं भेण चवंदा आहिनि इहो खज़ानो पंहिंजे ॿारनि खे असां चाबी ॾेई वञूं ऐं इन खां वॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि कान थींदी। जय झूलेलाल। भाऊ परसराम साहिब के वर्षी के उपलक्ष्य में उल्लासनगर 1 झूलेलाल मंदिर में भगवत कथा का आयोजन किया गया। उसी के साथ साथ कृष्ण भगवान जी का जन्मदिन भी मनाया गया। जहर निकतो आए जिनो नालो आए हला अल जहर माने वो जहर जो किसी करे किसी भी न पिया सकन एरो तिखो एरो पावरफुल होयो जो पड़े पीछे हो जे तो ये जगे देवताओं में दही चैन चई बाबा तो मैं चवान तो पी तो भगवान शंकर वो हलाल जहर पीतो है पीतो माना तेखा पोए कल्प वृक्ष वण निकतो आए जे वण जे था जेका भी इच्छा कभी आए तो वह पूरी थी वेंदी है। उन्हें स्वर्ग में 14 रत्न निकता है उन मां हिकिड़ो धनवंतरी महाराज निकितो आहे जंहिंजे हथ में अमृत जो कलश आहे कलश माना गलो Thank you.
उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश योगा केंद्र के पास द्वारकाधीश गौशाला का उद्घाटन किया गया। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। आज हम भाग्यशाली हैं, आज द्वारकाधीश नाम से गौशाला का उद्घाटन स्वामी देव प्रकाश जी महाराज ने सवेरे किया। उसकी एड्रेस है, उनका जो पता है, स्वामी शांति प्रकाश योग केंद्र, उसके नज़दीक उल्लासनगर 5 नेताजी प्रेमनगर टेकड़ी पर। सभी भाइयों से निवेदन है कि आज से गौ माता की सेवा चालू हो गई, सभी भाई हमारे इस गौशाला में आके देखें। बहुत बड़ी अच्छी तरह से ये बनाई गई है मेहनत से, सभी भाई एक बार आएँ और दर्शन दें और गाय का दर्शन लें। धन्यवाद। स्वामी जयप्रकाश महाराज के कर कमलों से गौशाला का मुहूर्त हो गया। गौशाला का नाम है द्वारकाधीश गौशाला। यह गौशाला सुबह को शाम तक खुली रहेगी। ये हमारे दादा दौलत राम जी का बहुत दिनों से सपना था कि हम आश्रम के नज़दीक गौशाला खोलें। आज सचमुच बहुत खुशी की बात है, उनका सपना साकार हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम शहर की कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। जाने से पहले उल्लासनगर शहर वासियों को जनादेश की पूरी टीम के ओर से होली की बधाइयां। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, आपकी आवाज है आपका ही आदेश। जनादेश आपकी आवाज, जनादेश आपकी